हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग और मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उसको बनाने के लिए कुछ मैंने अखरोट लिए हुए हैं, 5 से 6 बादाम लेंगे, 5 से 6 ही मैंने इसमें काजू इसमें यूज़ कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून सनफ्लावर सीड्स लेंगे, पीनट्स लिए हुए हैं 1 टेबल स्पून, चिया सीड्स ली हुई हैं मैंने 1 टेबल स्पून, और 2 से 3 मैंने खजूर इसमें यूज़ कर रही हूँ जिसके मैंने बीज अलग निकाल दिए हैं, 1 टेबल स्पून किशमिश ऐड करेंगे, 1/2 एप्पल इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि मैं इसको एक ही गिलास बनाकर तैयार कर रही हूँ, 1 मैंने बनाना लिया हुआ है इसको भी मैंने कट कर लिया है, 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड पाउडर इसमें ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को मिक्सी के जार में ऐड करेंगे और इनको हल्का थोड़ा सा दूध डालकर इसमें हम चर्न कर लेंगे। तो पहले हम इसमें थोड़ा ही दूध यूज़ करेंगे जिससे सारी चीज़ें हमारी अच्छे से पिस जाएंगी। सभी चीज़ों को हम एक बार पीस लेंगे। एक बार आप सारा दूध इसमें ना ऐड करें तो बाकी बचे हुए दूध को भी इसमें ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। प्रोटीन शेक काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। सभी चीज़ों को हमने चर्न कर लिया है और आप देख सकते हैं प्रोटीन शेक बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो इसको हम सर्व कर लेते हैं। हेल्दी और टेस्टी प्रोटीन शेक हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। एनर्जी प्रोटीन शेक की इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आई होप आज का वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।